अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर, चूंकि ये वज़ाइफ इस्लामी हिदायत का नाम है तो इसको नाजायज़ कामों के लिए ना करें, सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। व्यूवर्स, मैं वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करती हूँ ताकि लोग जायज़ तरीके से अपनी परेशानियों को हल कर सकें और अपने हाजात को पूरा कर सकें। हर वजीफा पूरे ध्यान और पूरे यकीन के साथ किया करे, तभी इसका पूरा फायदा होगा। उम्मीद है आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रही हूँ इससे आपको फायदा होगा। बढ़ती ही टॉपिक की जानिब, तो चलिए शुरू करते हैं। पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। ये वजीफा पढ़ना शुरू ही किया था, मेरे तमाम मसाइल हल हो गए, दुनिया का हर काम हो जाएगा। अमल की जल्दी असर करने और पूरा फायदा देने की चंद शरायत। वजीफा या अमल पूरे यकीन के साथ किया करे, शक अमल को जाया कर देता है। 5 वक्त नमाज की पाबंदी किया करे, वजीफा का ज्यादा फायदा होगा। अमल जल्दी असर करेगा, रिस्क हलाल का एहतमाम करे, हराम गजा अमल के असर को खत्म कर देती है। अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, अल्लाह पाक राजी होंगे तभी जल्दी काम बनेगा। फायदा, इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल कर देगा, चाहे वो मसला रिस्क का हो या किसी और हाजत का हो, वो मसला घर में लड़ाई का हो या फिर किसी का प्यार पाने का हो, आप किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए इस वजीफे पे अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को इस आयत की बरकत से खत्म फरमा देंगे और आपकी तमाम ख्वाहिशात इस वजीफे की बरकत से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अमल आपने इस तरह करना है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो या फिर आप चाहते हो कि अल्लाह पाक आपकी हाजत को जल्द अज जल्द पूरा कर दे, तो आप सूरह इनाम की आयत नंबर 45 का वर्द करें और फिर अल्लाह पाक से अपनी परेशानी को दूर करने की या फिर अपनी हाजत को पूरा करने की दुआ किया करें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे वो मसाइल किसी बीमारी का हो या फिर किसी से कोई बात मनवाने का मसला हो। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।